स्वास्थ्य मानव जीवन की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है तथा ये एक सुखी जीवन की आधारशिला है। आजकल स्वास्थ्य के प्रति ज्यादातर लोग जागरूक तो हैं, लेकिन जानबूझकर वो ऐसी चीजों का भी सेवन कर लेते हैं जो उन्हें घातक और जानलेवा रोगों का शिकार बना रही है। उक्त उद्गार डॉक्टर राकेश मिश्र ने व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को और अधिक सतर्क और जागरूक कैसे बनाया जाए, इसके लिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा सतना में आयोजित होने वाले 26वें मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके, इसके लिए लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। बीते बुधवार को पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र संस्कारवान शिक्षा प्रदान करने के लिए मशहूर नागौद के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के कैंसर रोगों के निदान और इसकी जांच को लेकर छात्रों और शिक्षकों को जागरूक किया। डॉक्टर राकेश मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि न्यास की तरफ से जो भी किया जा रहा है उसकी प्रेरणा उन्हें खुद शिशु मंदिर विद्यालय से ही मिली है, क्योंकि वो भी इसी संस्थान के छात्र रहे हैं। आपको बता दें कि न्यास द्वारा स्वास्थ्य कैंप जो सतना में लगाया जा रहा है उसमें एक्शन कैंसर हॉस्पिटल नई दिल्ली और श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा हृदय रोग, श्वसन रोग, स्त्री रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, आंतरिक एवं मस्तिष्क रोग एवं कैंसर रोगियों की निःशुल्क जाँच की जाएगी। पंजीयन के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कैंप सतना शहर में दिनांक आगामी 6 एवं 7 जनवरी 2024 को आयोजित होने जा रहा है। मां अन्नपूर्णा का चित्र भेंट कर दिलाई भोजन बर्बाद न करने की शपथ। क्षेत्र के दौरे में सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय नागौर, विजय बहादुर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसो में शिक्षकों और छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर राकेश मिश्र ने कहा कि हमारे आसपास तंबाकू, गुटखा आदि के सेवन से मुंह का कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर के भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए इनके आंशिक लक्षणों के साथ ये और घातक रूप न ले पाए इसके पहले ही समाधान के लिए कैंप लगाया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि किसान कितनी मेहनत से अन्न पैदा करता है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर अन्न और जल की बर्बादी देखी जाती है, इसलिए माता अन्नपूर्णा का चित्र भेंट कर शपथ दिलाई गई कि आज से कभी भी हम अन्न और जल की बर्बादी नहीं करेंगे। अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे ताकि भविष्य में वो बड़ा पेड़ बनकर पर्यावरण को स्वच्छ बना सके। न्यास की सक्रियता से खेल प्रतिभाओं को मिल रहा उभरने का मौका। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास द्वारा किए जा रहे आयोजनों की चर्चा करते हुए इसके अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्र ने कहा कि मैराथन एक कम खर्चे वाला सामूहिक खेल है जो एकता की भावना को दर्शाता है। न्यास द्वारा सतना में जो मैराथन इस बार आयोजित की गई, उसमें भारतीय राष्ट्रीय मानक से भी कम समय में उचेहरा क्षेत्र की 10 बालिकाओं ने दौड़ पूरी की है और आज ये दिल्ली में ट्रेनिंग ले रही हैं, जो कि भविष्य में मेडल आदि जीतकर क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगी। प्रतिभाओं को उभारना और उन्हें राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना ही न्यास का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि गांव में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ऐसी प्रतिभाओं को मंच देकर उन्हें उभारने का काम कर रहा है। कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति अंजनी नंदन चतुर्वेदी, चंदन अग्रवाल, सुखेंद्र सिंह, उपेंद्र तिवारी, लाल बहादुर मिश्रा, मनीष पांडे सहित विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित किया गया।